डॉक्टर के पास गई थी? जी गई थी, अभी एक हफ्ते तक आएंगे रिजल्ट, फिर अपॉइंटमेंट लूंगी जाऊंगी। पता नहीं क्या होगा अम्मी। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ने चाहा तुम्हारी गोद जरूर हरी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो तुम बड़ी जल्दी आ गए ऑफिस से। हाँ बस जल्दी फ्री हो गया था। अच्छा वो अम्मी क्या कह रही हैं? क्यों तुमने उनको तंग किया हुआ है खाने पीने के मामले में, चीजों में क्यों टैंट्रम्स दिखाते हो? पता तो है मीरा, हर छोटी बात पर परेशान होती मेरी वजह से। अच्छा वो आप ही आप आ गए, मैंने भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। खैरियत? जी खैरियत ही है, मैं बस कहना चाह रहा था कि आप लोग उर्वा के घर कब जाएंगे डेट फिक्स करने के लिए? हाँ चले जाएंगे, सोचते हैं आराम तसल्ली से। सोचते? इतने सालों से सोच सोच कर थके नहीं क्या आप लोग? लगता है अपने ससुराल होके आए, जब ही तो अपनी माँ और बहन को आके बातें सुना रहे। आप ही फॉर गॉड सेक प्लीज, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना, और ये जो घर में रोज रोज झगड़े हो रहे हैं ना, मैं इनसे तंग आ चुका हूँ, मैं इन्हें खत्म करना चाहता हूँ। तो कौन है वजह इन इख्तलाफात की? वजह जो भी हो, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आप लोग प्लीज कल ही जाएं, चाचा जान के साथ मेरी शादी की डेट फिक्स करेंगे। उमेर तुम्हें ऐसी क्या आग लगेगी, कल ही घर चले जाएं हम। तो क्या जिस दिन आग लग जाएगी मेरी जिंदगी में, उस दिन कुछ स्टेप लेंगे आप लोग? मैं मुमताज सच्ची से वादा करके आया हूँ, और आप लोगों को मेरे वादे का पास रखना होगा।